माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह में ही कहा था, माननीय प्लीज 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 माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह ही कहा था महत्वपूर्ण विषय है, पर स्थिति सामान्य होने के बाद इस पर बहस करें आप। कृपया इस बहस को चलने दें, कृपया इस बहस को चलने दें। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 11 आवर्स ऑन ट्यूजडे 3 मार्च 2020। खगोल शास्त्र में पूरी दुनिया में किया है और धरती पर चिंतन उन्होंने किया, जो धरती पर गुरुत्वाकर्षण है उसका भी, उसके बारे में भी पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने हमें आगे किया है। संस्कृत ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान की भाषा है। आज संस्कृत में भारतीय विज्ञान परंपरा विश्व वैज्ञानिक परंपरा में एक है। भारत के विश्वमन आज मोदी सरकार उस ज्ञान और विज्ञान को देश के उन्नत और दुनिया के मार्गदर्शन के लिए लाना चाहती है, और इसलिए हम ये तीन जो डीम्ड विश्वविद्यालय श्रीमन, इन तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को हम पूरे तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करके उस ज्ञान और विज्ञान को पूरी दुनिया में सरसाना चाहते हैं। श्रीमन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, न केवल इस देश में, यदि देखा जाए श्रीमन को पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आज जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय है श्रीमन, दुनिया के 250 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है, वर्षों सैकड़ों वर्षों से पढ़ाई जा रही है श्रीमान, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को कि संस्कृत ग्रंथ